नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। इस वर्ष होने वाले पंचायत चुनाव में पटना की 17 पंचायतें अतीत का हिस्सा बनकर रह जाएंगी, यानी कि इन पंचायतों में इस बार चुनाव नहीं होंगे। दरअसल नगर आवास एवं विकास विभाग यदि पटना के इन 17 पंचायतों को शहरी क्षेत्र में शामिल करने से संबंधित अधिसूचना जारी कर देता है तो पटना में 305 पंचायतें ही रह जाएंगी, जिसमें मुखिया, सरपंच और वार्ड सदस्य के लिए वोट डाले जाएंगे। मिली जानकारी के मुताबिक पंचायती राज विभाग द्वारा नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र के लिए चयनित होने वाली पंचायतों की जनसंख्या पर एक बार फिर से डाटा तैयार करने शुरू कर दिया है। इसमें अब 2011 की बजाय 1991 की जनगणना के आधार पर पंचायतों का स्वरूप तय किया जाएगा। पटना के जिन 17 पंचायतों को शहरी क्षेत्र में शामिल किया गया है, इन पंचायतों की जनसंख्या 4000 से कम थी, लेकिन राज्य सरकार ने हाल ही में अब ऐसी पंचायतों को शहरी क्षेत्र में शामिल करने का निर्णय लिया है जिनकी 1991 में जनसंख्या 3000 से कम थी। इसलिए इस आधार पर नए सिरे से पंचायतों की जनसंख्या के आधार पर प्रारूप तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। पटना की 10 ऐसी पंचायतें हैं जिनका पुनर्गठन होना है। इन पंचायतों के कई गांव शहरी क्षेत्र के लिए चयन के समय शेष रह गए। इनकी जनसंख्या यदि 1991 में 3000 तक होगी तो उसे नया पंचायत बना दिया जाएगा। कम होने पर निकट की पंचायत में इन गांवों का विलय कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि अगर इन चयनित पंचायतों पर राज्य सरकार का शहरी क्षेत्र में शामिल करने से संबंधित अंतिम मुहर लग जाती है तो पटना के इन पंचायतों में इस बार चुनाव नहीं होंगे। जिन पंचायतों में चुनाव नहीं होगा उनकी सूची हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। संपत चक प्रखंड के कनौजी कछुआरा पंचायत, बैरिया कर्णपुरा पंचायत, सोना गोपालपुर पंचायत और भेलवाड़ा दरियापुर पंचायत, दानापुर प्रखंड के लखनी बिघा पंचायत, कोथवा पंचायत, जमसौत पंचायत और जमालुद्दीन चक पंचायत, फुलवारी शरीफ प्रखंड के भुसौला पंचायत, नोहसा पंचायत और कुरथौल पंचायत, बेटा प्रखंड के बेटा पंचायत, राघोपुर पंचायत, श्रीरामपुर पंचायत और अमहरा पंचायत, पुनपुन प्रखंड के पुनपुन पंचायत और पालीगंज प्रखंड के निखरपुर पाली पंचायत। ये पटना जिला के उन 17 पंचायतों के नाम हैं जहां इस बार पंचायत चुनाव नहीं होने की उम्मीद है। वहीं राज्य के करीब 200 ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन भी किया जाएगा। इसका आदेश पंचायती राज विभाग ने जारी कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार करीब 200 ऐसी पंचायतें हैं जिनका आंशिक क्षेत्र नगर निकाय में शामिल हुआ है। वहीं 300 ऐसी पंचायतें हैं जो पूरी तरह से नगर निकाय का हिस्सा हो गई हैं। ऐसे में जिन 200 पंचायतों का आंशिक हिस्सा नगर निकाय में गया है उनका पुनर्गठन किया जाएगा। जिलों को निर्देश दिया गया है कि इसकी कार्रवाई शुरू कर दी जाए। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 3000 की आबादी जिन पंचायतों में रह गई है उसे यथावत ही रखा जाएगा। वहीं 3000 से कम आबादी रह गई है तो उस क्षेत्र को निकट की पंचायतों में शामिल कर दिया जाएगा। इन 200 ग्राम पंचायतों में कितने का अस्तित्व खत्म हो जाएगा यह जिलों द्वारा की जा रही कार्रवाई पूरी होने के बाद ही सामने आ पाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।